हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में चार ऐसी लेटेस्ट अपडेट है खासतौर से सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन चार के चारों अपडेट इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं, किसी भी प्रकार का आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर में हैं, चाहे आपकी खुद की गाड़ी है, अगर आपकी खुद की गाड़ी है और तो उसके आरसी बुक और कुछ इंश्योरेंस को लेकर भी मरूर की तरफ से अपडेट है, जो कि आज नहीं तो कल भी आपको हमेशा काम आने वाली ये वीडियो है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ, बेसिक तौर पर न्यूज के तौर पर वीडियो को नहीं बना। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब में हो, काम करते हो तब भी, या अगर आप आने वाले हो ना तभी भी, तो भी आपके लिए ये सारी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है वो है खास तौर से ड्राइवरों के लिए जिनका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने वाला है और वो लोग छुट्टी जाने वाले हैं। तो उनका सवाल होता है, सर मैं जो है छुट्टी जाने वाला हूं, लेकिन मेरा लाइसेंस जो है वो अभी 3 महीना बाकी है खत्म होने में, और मैं छुट्टी जाऊंगा 6 महीने का। अब वापस आते ही मेरा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, लाइसेंस वापस आके रिन्यूअल करवाऊं, या उससे पहले ही यानी 3 महीना बाकी है तब भी क्या मैं अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकता हूं। तो ये यहां पर बहुत अच्छी अपडेट मुरूर की तरफ से आई है, जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सऊदी मुरूर यानी सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो अपडेट है, उन्होंने बताया है कि लाइसेंस को आप 6 महीने पहले यानी 180 दिन पहले भी आप लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हो। अब आप चाहे आप आरटीओ ऑफिस जाओ दल्ला में, या फिर आप अपने अफसर से भी इस चीज को रिन्यूअल कर सकते हो लाइसेंस को। बस ध्यान रहे कि लाइसेंस को रिन्यूअल करते समय आपके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, यानी मेडिकल जांच आपका लगेगा, जो कि किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का होना चाहिए, और उसको पीएनजी बना करके आपको अफसर में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका लाइसेंस रिन्यूअल अफसर से भी हो जाएगा। अगर यहां से नहीं जानते हैं तो आप जाकर के दल्ला में यानी आरटीओ ऑफिस में, वहां पर जाकर के अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हो। अब यहां पर जो दूसरा अपडेट है वो है उन भाइयों के लिए जिनके पास में खुद की गाड़ी है, यानी अपने नाम पे गाड़ी है। उनका सवाल है ट्रैफिक पुलिस से कि सर मेरा जो आरसी बुक है यानी इस्तमारा जिसको अरबी में बोलते हैं, अगर वो खत्म हो जाता है तो उस पर कितनी पेनल्टी आती है और कब से लगना चालू होता है, ठीक है, उस पर कोई और भी यानी कि जिसको जुर्माना बोलते हैं, फाइन बोलते हैं, पेनल्टी वगैरह भी लगता है। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस ने बताया, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका आरसी बुक यानी इस्तमारा अगर खत्म हो जाता है तो आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपने गाड़ी का आरसी बुक रिन्यूअल करवा लेना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसके बाद से आपको 100 रियाल प्रति साल का यानी हर साल का 100 रियाल का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात और उन्होंने पॉइंट की बात बताई है कि आपके गाड़ी की फिटनेस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम तो होना ही चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है, गाड़ी का फिटनेस भी क्लियर नहीं है, तब भी आपका आरसी बुक रिन्यूअल नहीं होगा। अब यहां पर एक सवाल बहुत कॉमन सी है, ये सवाल अक्सर लोगों के साथ में होता है, आखिर वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने सवाल किया था ट्रैफिक पुलिस से कि सर मेरा लाइसेंस जो है वो 10 साल का मेरे कफिल ने बना दिया था, लेकिन अभी भी मेरे लाइसेंस में 5 साल बाकी है। अब मेरा जो कफिल है उसके पास काम खत्म हो चुका है, अब मैं फाइनल एग्जिट जा रहा हूं, तो क्या वापस जब मैं जाऊंगा अपने देश और वहां से जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मेरा जो लाइसेंस है वो 5 साल ही वैलिड रहेगा, उस पर नया अकामा नंबर अपडेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मुझे क्या कुछ करना होगा। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आपके साथ अगर ऐसा होता है, फाइनल एग्जिट लग जाता है और अगर आप अपने देश चले जाते हैं और दोबारा से नए वीजा पर जब भी आप आएंगे तो आपको उसी लाइसेंस का जो है फोटो कॉपी दिखा करके आरटीओ ऑफिस में दल्ला में जाकर के उसी पुराने लाइसेंस पे आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप गए और वहां पहुंचे एक साल दो साल में लाइसेंस आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप यहां आए तब भी आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। लाइसेंस अगर आपका वैलिड है, नए वीजा पर आप आओगे तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको आरटीओ ऑफिस जाना है, वहां लाइसेंस देना है, आपका अकामा नंबर भी अपडेट हो जाएगा, लाइसेंस भी आपको दूसरा मिल जाएगा, वैलिडिटी जितनी आपके लाइसेंस में है वो भी बरकरार रहेगी।
और ऐसे में आपको कोई मदरसा, कोई ट्रेनिंग, कोई कुछ भी नहीं करना होगा। नॉर्मल तरीके से आप जैसे पिछले वीजा पर काम कर रहे थे ऐसे ही काम कर सकोगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से ड्राइवरों के लिए ही, तो इसको ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से सुनना। तो किसी ने ट्रैफिक पुलिस से ये सवाल किया था, सर मेरा मेरे ऊपर जो है जुर्माना आ गया है। अब खासतौर से लोगों के ऊपर मुखालफा आ जाता है रोड पे, लेकिन यहां पर सवाल कुछ डिफिकल्ट तरीके से है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहना है कि सर जो मेरे ऊपर जो जुर्माना आया हुआ है वो इस समय में किसी दूसरे शहर से आया हुआ है, जबकि जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं कि हम रहते हैं रियाद में, ठीक है। अब मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं आया और मेरा, लेकिन मैंने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन मेरे ऊपर एक जुर्माना आ गया है जो कि फर्जी आया हुआ है, और वो भी जो शहर दिखा रहा है ना, शहर सिटी, वो सिटी मक्का दिखा रहा है कि आप इस दिन मक्का में थे और आपके ऊपर में इस चीज का गरामा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अब ये तो फिर फिलहाल गलत हो गया ना कि हम रहते हैं रियाद में और मुखालफा आ गया मक्का से हमारा, तो भाई मक्का में तो हम गए ही नहीं। तो किसी ने ऐसे ही सवाल किया था कि मैं रियाद में था लेकिन मक्का से मेरा मुखालफा आया जबकि मैं मक्का गया ही नहीं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। तो ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि अगर आप उस समय वहां पर नहीं थे और आपके ऊपर मुखालफा यानी चालान आ गया है, तो आप अपने अफसर के जरिए से इस पर आपत्ति कर सकते हो, यानी इसको आप डीएक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो और आपका जो चालान है उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जो कहना है, उनका कहना है कि जब भी कोई भी सऊदी अरब में जुर्माना आता है, पेनल्टी आती है रोड का, तो वहां पर गाड़ी के नंबर पर ही वो मुखालफा पड़ता है, ठीक है। और उस मुखालफा को आपके मोबाइल नंबर पर जो एक्टिवेट होता है, आपका मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर पर एकदम से भेज दिया जाता है, इस तरीके से होता है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि कई बार लोकेशन गलत हो जाता है, तो इसके लिए आप अफसर के जरिए से इसको आप डीएक्टिवेट करने के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और अगर आपका अफसर से भी नहीं कटता है तो आप आरटीओ ऑफिस जा करके और वहां पर जो अफसर लोग हैं, जो ऑफिसर अधिकारी हैं, उनसे संपर्क कीजिए और उनको इस चीज का सबूत दीजिए कि मैं वहां पर नहीं था, और ऐसे में आपका जो चालान है वो काट दिया जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आया होगा। वीडियो बहुत भरी जानकारी भरी हुई, तो वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा मैं आपको जवाब देने की। तब तक के लिए जय हिंद।